आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा करें। दिस टेंस सो दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट से ये पता चलता है कि कोई क्रिया भविष्य में एक दिए गए समय तक पूरा हो चुकेगा। जैसे वह कल तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा, तो एक दिया गया समय है कल, उस समय तक पूरा कर चुका। कभी कभी समय नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन ये लगेगा कि उस समय तक ये कार्य पूरा हो चुकेगा। ऐसे इस टेंस के हिंदी वर्ब्स के अंत में जनरली चुका रहेगा, चुकी रहेगी या चुकेगा, चुकेगी लगे होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसके बाद हैव, तब भर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे 10 बजे तक सारे छात्र सो चुकेंगे, सब्जेक्ट इसमें है सारे छात्र, तो पहले लगाएंगे ऑल द स्टूडेंट्स, अब इसके लिए विल, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव स्लेप्ट, स्लीप का तीसरा रूप स्लेप्ट, बाय 10 PM, 10 बजे शाम तक। तो यहां तक के लिए हम लोग बाय लगाएंगे। मैं शाम तक घर वापस आ चुकूंगा, तो आई शैल हैव कम, कम का तीसरा रूप कम ही होता है, कम बैक बाय इवनिंग। अब यहां देखिए, जैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में देखते थे कि जो दो क्रिया भूतकाल में एक के बाद एक संपन्न होता था, जो क्रिया जो पहले संपन्न हो जाती थी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रहते थे और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी हो सकता है कि जब एक क्रिया के पहले कोई दूसरा क्रिया समाप्त हो जाए, तो जो क्रिया पहले समाप्त होगा उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी, तो पहले गाड़ी खुल चुकेगी, तो इसको बनाएंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में और स्टेशन पहुंचना प्रेजेंट इंडेफिनिट। द ट्रेन विल हैव डिपार्चर, डिपार्टेड, ये हम बना लिए प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव डिपार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन, यहां पर प्रेजेंट है। उसी तरह से इसमें देखिए, वर्षा होगी लेकिन फसल पहले ही सूख चुकेंगे, तो फसल पहले ही सूख चुकेंगे, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। क्रॉप्स विल हैव ड्राइड अप बिफोर इट रेन्स, बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद हम लोग निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में विल सेल के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट विल या सेल, नॉट हैव भर्ती ऑफ, सरकार यह नियम वापस नहीं कर चुकेगी, तो सब्जेक्ट है यहां सरकार, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव विथड्रॉन दिस लॉ। यहां पे ध्यान देना होगा कि विल सेल के बाद ही नॉट लगाएंगे, विल हैव नॉट नहीं लगाएंगे। किसान फसल को खलिहान में ढेर नहीं कर चुके, खलिहान का मतलब ग्रेनरी जहां अनाज रखे जाते हैं, तो द फार्मर विल नॉट हैव स्टैक्ड द क्रॉप इन द ग्रेनरी, ये निगेटिव हुआ। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न करते हैं, ये दो तरह का होता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप, दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप, तो जिसका आंसर यस नो में हो जाए उसको हम कहेंगे शॉर्ट आंसर है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग विल या शैल लगाएंगे, शैल विल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, तब भर्ती, तब ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या 5 बजे शाम तक सभा समाप्त हो चुकेगी, तो विल द मीटिंग हैव एंडेड बाय 5 PM, क्या समय से पहले मैं उसे सूचित कर चुकूंगा, शैल आई हैव इनफॉर्म, सूचित करना, शैल आई हैव इनफॉर्म्ड हिम बिफोर टाइम। फिर इसके बाद इसका लॉन्ग आंसर टाइप,
लॉन्ग एंड सर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस नो में ना होकर विस्तार से देना पड़े। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव के बाद हर थ्री, तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन। सेना क्यों लौट चुकेगी, यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो पहले वाई, अब सेना के लिए हम लोग विल लगाएंगे, व्हाई विल द आर्मी सेना हैव रिट्रीटेड, हमारा राज्य कब तक विकसित हो चुकेगा, कब तक, तो इसमें पहले ही हम लगा देंगे बाई व्हाट टाइम, बाई व्हाट टाइम विल आवर स्टेट हैव डेवलप्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव कम लिखे, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका भी शॉर्ट लॉन्ग होगा, तो शॉर्ट आंसर टाइप में हम लोग देखेंगे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, यहाँ नॉट लगा देंगे, हैव, हर थ्री, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस नॉट को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, सांड करके, तो क्या मानसून नहीं शुरू हो चुकेगा, विल द मानसून नॉट हैव ब्रोकन, या नॉट अगर यहाँ लगाएंगे तो वॉन्ट द मानसून हैव ब्रोकन, क्या अगले माह तक आम नहीं पक चुकेंगे, विल मैंगोज नॉट हैव राइपेंड बाय द नेक्स्ट मंथ, इसके बाद इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव का लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव का लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, नॉट, हैव, भर थ्री, के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, सरकार अगले महीने तक इस पुल का निर्माण क्यों नहीं करवा चुकी, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है यहाँ क्यों, वाई, वाई विल द गवर्नमेंट नॉट हैव बिल्ट दिस ब्रिज बाय नेक्स्ट मंथ, तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं कर चुके, वाई विल यू नॉट हैव हेल्प द पुअर, तो ये था फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, इसका यूजेज बस यही दो है कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो जाने की संभावना हो तो वहां हम करते हैं, जैसे वह कल तक अपना काम पूरा करवा चुकेगा, या किसी दो क्रिया के एक के बाद एक अगर घटित होता है तो जो पहले घटित होगा उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो पहले रोगी मर चुकेगा इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, वहां पर जो बाद में होने वाली घटना है उसके लिए प्रेजेंट इन डेफिनिट का प्रयोग करें। इसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब टेंस का जो आखिरी कड़ी है उसकी चर्चा अगले क्लास में।